नमस्कार घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत प्रजापत। इंदौर में फेमिनिज्म इन इंडिया को लेकर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि रेप की बढ़ती घटनाओं पर आधारित है, जिसके लिए आज हम बात करेंगे चांदनी यादव से। स्वागत है आपका मैम। आप ये जो फेमिनिज्म इंडिया का जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसको आपका टारगेट क्या है? फेमिनिज्म इन इंडिया जो है वो एक इस तरीके का मैसेज लेकर आया है और एक ऐसी शुरुआत है जिसमें हम एक हवन का आवाहन करते हैं और इसमें ये पहली आहुति है जो हम 28 जून को देने वाले हैं और इस हवन को हमको इतना बड़ा स्वरूप देना है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ आए, जुड़े और इसमें सहयोग करें और इसको हम टारगेट करते हुए चलते जा रहे हैं, जिसमें हम जब तक हम आखिरी व्यक्ति तक सजा न हो तब तक हम इस आह्वान को जागृत रखेंगे। सर देखो, अगर रैप केस की नॉर्मल बात करें तो आजकल जो ये नया युग आ रहा है, नई पीढ़ी और जागरूक हो रही है, इन पीढ़ी की क्या जो एक इनकी मेंटेलिटी है, इनका देखने का तरीका है, जो ये देख रहे हैं आजकल, जो इनका देखने का तरीका, यानी जो भी आजकल क्या है, आज मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, अगर बच्चे की बात करें नॉर्मल जो उनके सामने चलता है, आज ये नॉर्मल लड़के लड़के आपस में घूमते हैं। देखो गलती मैं ये नहीं कहूँगी इसमें, जो लड़कों की अकेले गलती है, गलती इनमें लड़कियों की भी रहती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.